हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति किचन। आप सब कैसे हो? आज मैं एक ब्लॉग वाले वीडियो लेके आई हूँ। मैं गई थी सरला टेम सरला मंदिर। ये जो महीना चल रहा है, हम लोग जितने भी माता के दर्शन करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो हम पहले मैं गई थी तारिणी मंदिर, आप लोग के साथ शेयर की हूँ उसकी वीडियो। उसकी और एक छोटी सी क्लिप है, उसके पास ही कुछ जगह हम गए थे, वो मैं बाद में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पर अभी मैं माता के दर्शन फिर से सरला माँ के मंदिर में गई थी, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर पहले कर लूँगी, क्योंकि इस महीने में माता का महीना चल रहा है। तो मुझे लगा कि पहले इस वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ मैं गई आप लोग के साथ, वो छोटी छोटी क्लिप मैं शेयर करती रहूँगी, सिर्फ माता की मंदिर नहीं उसके पास। तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जहाँ मैं गई हूँ उस दिन आप लोग के साथ वो वीडियो मैं शेयर करी हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, ये नहीं बोलूँगी, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। अगर आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी कर देना। ज़्यादा ज़्यादा कमेंट आता है तो अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, और पता भी चलता है कहाँ कहाँ मेरी वीडियो गई है, कौन कौन मेरे वीडियो देख रहा है। और तो आप लोग कमेंट कर देना, और चैनल पर जो भी न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और नीचे जो बेल बटन दिया है उसे भी क्लिक कर देना, ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो चलिए हम लोग ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज मैं जा रही हूँ सरला टेम्पल, और इससे पहले मैं गई थी तारिणी टेम्पल। आप लोग के साथ वीडियो मैंने शेयर किया है, आप उस वीडियो को आप देख लेना। इस वीडियो के आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगी, तो आप लोग चाहोगे तो उसे देख लेना। और इसकी मैं एक छोटी सी ब्लॉग बनाऊंगी जितना हो सकेगा। पता नहीं मंदिर में तो कैमरा अलाउ नहीं करते, अगर करेंगे तो छोटी छोटी क्लिप में ले आऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, इन्जॉय कीजिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आप सबको सरला मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। माता के मंदिर में सब लोग आ सकते हो, तो हम लोग आकर पहुंच चुके हैं। अभी मंदिर के बाहर ही है, गाड़ी पार्किंग करने के बाद हम लोग चल के जा रहे हैं। टाइम उतना नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर धूप बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा दिख रहा है कि शायद बहुत देर हो चुका है, पर इतना टाइम नहीं हुआ है। तो चलो हम अंदर चलते हैं और आकर पहुंच के मंदिर के पास। और मंदिर बहुत सुंदर है, यहाँ का जो चारों ओर जो जगह है वहाँ पे काम हो रहा है मंदिर का। बहुत जगह बंद किया गया है कि उस तरफ मत जाओ, इस तरफ मत जाओ, सब बंद किया गया है। मैं वहीं पर भैंस देने की कोशिश कर रही थी, पर बहुत आवाज थी, तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर बाद में किया है। यहाँ पानी है, सब लोग पेड़ पौधे हैं।
यहाँ पे पानी की सुविधा है, अपने हाथ पैर धोकर हम मंदिर के अंदर जाएंगे और वहाँ से पानी लेकर जो काम हो रहा है मंदिर में वो लोग भी वहीं से पानी लेकर काम कर रहे हैं अपना। तो मंदिर के अंदर हमें छूट करने के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने बोला कि बाहर से आप कर सकते हो पर माँ की जो प्रतिमूर्ति है उसे आप शूट नहीं कर सकते। और पुलिस भी है वहाँ पे, सीसीटीवी कैमरा भी लगी हुई है। तो मैं वहाँ से चली आई और आप लोग को मैं बाहर से जस्ट मंदिर के बाहर ही मतलब माँ के द्वार के बाहर ही आप लोग को दिखा रही हूँ, अंदर का मैं नहीं दिखा पाई। बहुत बड़ा मन था आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। और आप देख सकते हो मंदिर कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है मंदिर। और इसकी चारों ओर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाकी यहाँ पे दुकान भी है, बहुत सारे भोग की दुकान है। ये जो फूल ना कैमरा में नहीं आया, बहुत सुंदर फूल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि आ जाएगा पर नहीं आया। मंदिर के बारे में मैं बता दूं कि ये ओडिशा राज्य की जगतसिंहपुर जिला में है सारणा मंदिर। फिर हम लोग आ गए अपनी फेवरेट जगह पर। सुबह सुबह मतलब हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और तो हम लोग आकर मंदिर के बाहर आलूदम दही बड़ा ओडिशा की फेमस स्ट्रीट फूड है तो वहां आकर पहुंच गए और मेरी तो फेवरेट है। तो हमारे प्लेट बनाया जा रहा है और हम इंतजार में हैं कब हमारा आलूदम दही बड़ा आएगा और हम लोग शुरू हो जाएंगे। इसके बाद उसी के पास कुछ दूर में बाबा गोरखनाथ जी की मंदिर है। तो हम आलूदम दही बड़ा खाने के बाद बाबा गोरखनाथ जी की मंदिर जाएंगे। तो हम आकर पहुंच गए बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर में और मंदिर बहुत सुंदर है, आप लोग देखो और एंजॉय करो और मुझे कमेंट में बताओ बाबा गोरखनाथ जी की मंदिर कैसा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मंदिर में आकर। इस जगह के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी, इतनी खूबसूरत जगह है ये और इतना बड़ा जगह है, इतना शांत परिवेश है, आप लोग यकीन नहीं करोगे। मतलब चारों ओर इतनी धूप है पर यहाँ पे देखो कितनी छाव है, क्योंकि बहुत सारे जो वट वृक्ष है वो है तो पूरा मंदिर के आसपास एकदम छाव रहता है, ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। वैसे तो नॉर्मली आजकल कौवा इतना दिखते नहीं है पर वहाँ मुझे बहुत सारे कौवे दिखने को मिले। ये देखो बाबा गोरखनाथ के मंदिर के बाद हम लोग जाएंगे और एक जगह पर आप देख सकते हो गोरखनाथ मंदिर में एक जो तालाब होता है वो है।
और जगह मुझे बहुत अच्छा लगा। दो गेट है यहाँ पे, एक आने के लिए और एक बाहर जाने के लिए। ये रास्ता एग्जिट की है। अच्युतानंद जी के बारे में तो आप लोग को शायद पता होगा, और मालिका के बारे में भी शायद आप लोग को पता होगा, आप लोग सुने होंगे भविष्य मालिका। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और एक जगह को जाने के लिए, और वो जगह का नाम है नेमाड मठ। महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी की पीठ है। अच्युतानंद जी ने मालिका लिखा है भविष्य मालिका, और कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है पर उनकी लिखी हुई एक भी बात गलत नहीं हो सकता। उन्होंने जो जो लिखा है वो आज तक घटते आ रहा है और आगे भी होगा। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत बहुत बार इस जगह के बारे में सुना था, और मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। सारला मंदिर में पहले आई थी, गोरखनाथ जी के मंदिर में भी मैं पहले आई थी, पर नेमाड़ा मठ में मैं पहली बार आई हूँ। क्योंकि हम लोग मालिका बहुत पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, तो मन में था कि वहाँ भी जाएंगे देखेंगे। अभी यहाँ से नेमाड़ा मठ के लिए जो रास्ता है वहाँ से एंट्री लेंगे। अगर हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के बिना कुछ भी नहीं होता, तो पहले उन्हीं का नाम लेके यहाँ की ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आम आज पहुँचे निम्बाल मठ अच्युतानंदपुर मालिका पंडित निम्बाल मठ। मैं आपको देखे दूसरी देखु इटा हूँ गोटे कौ गठ बेल गठ सेपटा हूँ अल्प गठ एपटा ये देख मंदिर एवं बंद अच्छे। आम आस पहुँचल निम्ब गच भी अच्छी, बहुत गच अच्छी, लोक भी बहुत होती, प्रसाद सेवन चली मंदिर देखो एक प्रसाद सेवन चली कहीं आम आस बारे चालीस गोटे साढ़े गोटे साढ़े गोटे आम आस अपेक्षा करू मालिका पंडित अच्युतानंद निम्बाल मठ। एक अच्युतानंद पीठ एना निम्बाल मठ आप देखिपारती पंचशका पीठ भविष्य मालिका आपको देखिए कौटी यहाँ बटवृक्ष बहुत बड़ बटवृक्ष पूरा छाई कर रखी चार बंद शूटिंग कर किसी असुविधा ना। अच्युतानंद मैंने जो मूर्ति अच्युतानंद से लिखिदेसी महाब्रह्म कौन सब लिखाई संस्कृत में है ये हूँ अच्युतानंद मूर्ति। मुझे देखिए देखिए देख आम पादुक नहीं जा मो पाद को नहीं आसली
पुण जे नि एडो केते केते बाटा हबो बुझि दवा नि चलो गाड़ी बुली जाने पड़े ना ना भुवनेश्वर केते बाटा हबो एटू सब करते सब करते। तो हम लोग का दर्शन हो चुका है, अभी हम निकलेंगे जाने के लिए। और हम आने के बाद हमारा लंच टाइम हो गया था, तो हम टूट पड़े खाने पे। और खाना आ चुका है, हमें बहुत भूख लगी थी। तो मैं बोल रही थी कि मैं थोड़ी सी शूट कर लूँ, पर किसी के पास इतना पेशेंस नहीं था कि वो खाना देख के चुपचाप बैठ रहा। वो सब लोग शुरू हो गए और मैंने फिर भी सब खाना शूट कर लिया। तो फ्रेंड, ये थी मेरी छोटी सी ब्लॉग। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर।